नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरवी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से एक जबरदस्त स्टॉक को लेके, जिसमें अपने का 40% अपसाइड पोटेंशियल है। अपसाइड पोटेंशियल तो इससे ज्यादा है, लेकिन अपना टारगेट 40% का है। तो स्टॉक में बताने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोगों का थोड़ा फैमिली धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रो हो सके। तो चलते हैं हम लोग उस कंपनी के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर, जहाँ हम लोग 40% ऐसे मार्केट सिचुएशन में, जहाँ पे अभी अनसर्टेनिटी बना हुआ है, मार्केट अप्स एंड डाउन्स का माहौल वगैरह है, और पिछले मंथ हम लोग देख भी पाए कि इस मंथ भी अनसर्टेनिटी का माहौल जैसा बना हुआ है था, और में भी ये कंटिन्यू भी रह सकता है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ता है, और जहाँ पे हम लोग अपने को पैसा बनाना है तो अपने को टारगेट लेके चलना है कि अपने को 30% चाहिए 6 महीना में, 3 महीना में अपने को 40% चाहिए। तो इस तरह से टारगेट लेके ही उस पैसे को हम लोग धीरे धीरे कंपाउंड कर सकते हैं, क्योंकि तो बड़ा पैसा बनाने के लिए ना थोड़ा सा हाथ पैर मारना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में, एकदम से लेके नहीं बैठ सकते हैं। अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पीरियड में अपने को 10 साल के अंदर में अपने को पैसा बनाना है अच्छा खासा, तो ठीक है ना। अगर अपने पास टाइम अगर 20 साल 25 साल का है तो कोई इशू नहीं है, हम लोग निफ्टी 20 के साथ जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड के साथ भी जा सकते हैं, या म्यूचुअल फंड से अच्छा इंडेक्स फंड आप बैंकिंग एंड फाइनेंस वगैरह में कर सकते हैं। तो वहां पे कहीं से कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे अपने को क्या है ना कि पैसा ज़्यादा बड़ा बनाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को स्विंग ट्रेड से 40% 30% अपने कैपिटल का निकालना पड़ेगा। वहाँ पे थोड़ा रिस्क भी बनता है, लेकिन हम लोग हैं उस चीज़ के लिए। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था, मतलब लास्ट वीडियो जो था वो अपना मुथूट फाइनेंस के ऊपर था, जहाँ पे हम लोगों ने 915-920 के आसपास जिसमें आया था उसे मैं रिकमेंड किया था। तो वहाँ से 920 पे मैंने ही किया था, तो 920 से हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी अपना 7% का रिटर्न अभी तक अपने को मिल चुका है। तो बैंक एफडी तो हम लोग ऑलरेडी अभी तक बीट कर चुके हैं, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंक को बीट करने के लिए नहीं आते हैं, हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्जिन अच्छा खासा प्रॉफिट लेने के लिए आते हैं। कम से कम 20% 25% का प्रॉफिट बनता है यार, तो मजा आता है ना। तो इस तरह से मजा लेना है जिंदगी का। देखिए स्टॉक मार्केट में क्या है ना कि थोड़ा सा कलेजा रख के रिस्क लेके जिंदगी ट्रेड लेने का मजा कुछ और होता है। अब ले रहे हैं एकदम HDFC बैंक, एकदम से बड़ा बड़ा स्टॉक ले रहे हैं, एकदम सेफ बेट ले रहे हैं लार्सन एंड टुब्रो, जहाँ पे मजा नहीं आ रहा है। मतलब अब 2-3 महीना में भी अपने 2% 5% बैठे हुए हैं, तो कोई मजा नहीं है। 30% 40% का अपसाइड लगे कि हाँ भाई 40% काट के निकलेंगे, तो इस तरह का मतलब रहेगा कुछ, तो फिर ज्यादा मजा आता है। हाँ थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट बनता है, तो निगेटिव उर्गेटिव से डरने का नहीं है। जब मार्केट में घुसे हो, जब स्टॉक मार्केट में घुसे हो ना, तो नीचे जाने के डर से अगर घुसना है नहीं, डर लगता है, तो भैया आपके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, ठीक है ना। तो सीधा बात है कि हम लोग मेंबर को सर आप स्टॉक बताए यार, डेविस लैब गिर गया थोड़ा सा 3%। अरे भाई डेविस लैब 3% गिर गया क्या हो गया, ये तो ऑलरेडी गिर रखा है, ऑलरेडी आपको वैल्यू बाय मिल रहा है, गिर गया 2-3%, 2-3% के लिए जब परेशान हो रहे हैं तो फिर कैसे बड़ा पैसा बनेगा। तो आपको 2-3% के लिए परेशान हो रहे तो आपको इंडेक्स फंड में भी जाओगे तो वहां भी आपको 2-3-5% नीचे गिरे दिखेगा। तो मार्केट आपके लिए नहीं है, तो फिर आप एफडी के लिए जाइए, वहां पे आपका हर दिन कुछ ना कुछ इंक्रीम बढ़ ही रहा है, 60 दिन में भी कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, 100 दिन में भी कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, लेकिन वहां पे क्या रिटर्न है वो तो आप माशाल्लाह जानते ही होंगे। तो इस तरह से है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना बनता, लेकिन हम लोग लेके आते हैं उस समय उस स्टॉक को बताते हैं जहाँ से डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड होता है और अपसाइड का पोटेंशियल रहता है। तो इस तरह से आप इस चीज़ के लिए आप हम लोगों को फॉलो डेफिनेटली कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे, आज के स्टॉक पे। स्टॉक का फंडामेंटल्स हम लोग देखते हैं। स्टॉक का नाम है नवनीत एजुकेशन लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 95, तो बहुत ही 100 रुपये से नीचे का स्टॉक मैं बता रहा हूँ, जो इसमें आपको 40% का अपसाइड पोटेंशियल दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन हाँ मैं ये डिस्क्लेमर एज ए बता देना चाहता हूँ एज ए यूट्यूबर, कि हम लोग कोई भी स्टॉक जो भी बताते हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए बताते हैं, तो किसी भी आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। तो ये चीज़ एज ए डिस्क्लेमर आप लोग समझ ही सकते हो, बोलना पड़ता है, तो ये फॉर्मेलिटीज़ है, तो ये मैं फॉर्मेलिटीज़ भी अदा कर चुका हूँ। चलिए तो हम लोग आ रहे हैं अपने टॉपिक पे, नवनीत एजुकेशन पे। नवनीत एजुकेशन का फंडामेंटल्स, अब फंडामेंटल्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं आपको ऑलरेडी पता होगा, हम लोग 2-3-5 चीज़ देखते हैं जो कि हम लोगों को किसी भी कंपनी के लिए देखना चाहिए। अब जैसे कि आर ओ सी ही हम लोग देखते हैं,
सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं। पी स्टॉक पी तो 13 के पी पे ये ट्रेड हो रहे हैं और इंडस्ट्री का पी है 15, तो अपने इंडस्ट्री के पी से ये सस्ता है। ठीक है, मार्केट कैप स्मॉल कैप मिड कैप स्मॉल कैप टाइप है, तो 2157 करोड़ का कंपनी है, छोटा कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ही पुराना कंपनी है। नवनीत का आप लोग कॉपी वगैरह भी यूज़ करते होंगे, मैं तो यूज़ करता था, तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही फाइन कॉपी था, तो हम लोग इसमें ही लिखते थे इसमें, अपन लोग क्लास में थे इंटरमीडिएट वगैरह में। तो चलिए ठीक है, वो तो बात की बात है। तो आरओसी हम लोग देख रहे हैं 11% का है, आरओई 8% का है, डिसेंट है, 15% से ऊपर होता है तो सही है, लेकिन डिसेंट है, ओके ओके है। कोई अपने को ये पोर्टफोलियो कोर पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है जहाँ पे हम लोग जो है एकदम 15% 20% पकड़ के चल रहा है, वैसा बात 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 नहीं है। अपने को इसमें 40% का टारगेट है और 40% लेके निकल जाने का, ठीक है ना, 40% का टारगेट मैं दे रहा हूँ और 40% लेके इसमें निकल जाना है, तो इस तरह की वाली बात है। तो यहाँ पे अपने को मिल जाता है 40% मतलब हो गया 9 चौक 36, तो लगभग 35-36 रुपये का 40 रुपया पकड़ लो, तो मतलब हो गया 135, तो 135 रुपीज़ का यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं, लास्ट टारगेट तो 130 से 135 का टारगेट रहेगा 6 मंथ, 6 मंथ से 8 मंथ का। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि बाद में भैया बदलने वाला बात नहीं होगा, होना चाहिए। ठीक है ना, और पहले मिल जाता है तो भैया वो और वाली बात है, पहले मिल गया तो ले लिया, निकल लिया, और फिर 90 रुपया पे आया तो फिर खरीद लिया, एकदम मजे करना है, कहीं से कोई इशू नहीं, टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में, और मार्केट में तो बिल्कुल नहीं लेना, मार्केट में बिल्कुल नहीं लेना है, नहीं लेना। चलिए, तो यहाँ पे है कि अपना जो है आरओए रिटर्न ऑन एसेट भी अपना 6% का, तो ये सब फंडामेंटल्स कोई खास कंपनी में नहीं है। ठीक है, डिसेंट है, ओके है, चल रहा है, जिंदा कंपनी है, मुर्दा कंपनी नहीं है। कंपनी के ऊपर डेट 57 करोड़ का है, कंपनी के पास कैश 96 करोड़ का है, तो नेट डेट फ्री कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट 130 करोड़ का जनरेट करता है, आराम से डेट चुका सकता है, कहीं से कोई दोहराए नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग एग्रेसिव है, प्लेज कोई कुछ नहीं है, 63% प्रमोटर होल्डिंग है। धन इन्वेंटरी कंपनी के पास जो है वो 392 CR का है, तो इन्वेंटरी भी अच्छा है, जितना डेट है उससे 5 times ऑलमोस्ट इन्वेंटरी भी है। रिजर्व कंपनी के पास बहुत ही तगड़ा है, एज ए कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से रिजर्व बहुत अच्छा है। तो इस तरह से मोटा मोटी ऊपरे ऊपर कंपनी को अगर हम लोग देखते हैं ना, तो ज़बरदस्त कंपनी बोल सकते हैं, सही कंपनी है। ठीक है, इसमें कहीं से कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे हम लोग स्क्रीनर पे आके यहाँ पे कंपनी के बिजनेस सेगमेंट वगैरह को देख सकते हैं, तो ये सब चीज़ है। ब्रांड वगैरह हम लोग देख सकते हैं, नवनीत का है, विकास करके आता है, योवा करके आता है, बहुत सारा ब्रांड है, टॉप क्लास, ये सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं। ज्योग्राफिकल स्प्लिट, रेवेन्यू स्प्लिट वगैरह हम लोग देख सकते हैं, इनिशिएटिव देख सकते हैं, और भी बहुत सारी बात है, वो सब यहाँ पे लिखी हुई है, वो सब हम लोग स्क्रीनर में देख सकते हैं। तो मोटा मोटी मैंने धंधा आप लोगों को इसका बता दिया, कॉपी सेगमेंट जो भी स्टेशनरी वाले कॉपी जो होती है वो सब इनका काम है। इनका वेबसाइट पे मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ आपको, नवनीत तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्या है ये। देखिए नवनीत का अपना खुल गया वेबसाइट, यही इनका लोगो है, और ये कॉपी बनाते हैं, जैसे क्लासमेट वगैरह कॉपी होती है ना, उस तरह के ये कॉपी बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ है ये इनका। धीरे धीरे इनका ऑनलाइन वाले भी टॉप स्कूल करके जो है बहुत सारी चीज़ इनिशिएटिव है इनका, ये धीरे धीरे क्योंकि देखिए सब चीज़ डिजिटल हो रहा है, तो यहाँ पे ये लोग भी धीरे धीरे अपना हर चीज़ जो है डिजिटल शिफ्ट कर रहा है, करना पड़ेगा, जिस सेगमेंट में है उस सेगमेंट में जो है वो करना पड़ेगा। तो स्टेशनरी वगैरह हम लोग देख सकते हैं, या एजुकेशनल टैक करके है वो सब हम लोग देख सकते हैं, स्टेशनरी गुड्स इनका है, तो ये सब चीज़ है, स्टेशनरी से मिलता जुलता सामान इनका। तो धंधा अपने को पता है, कॉपी किताब सीधा समझिए, बनिया लोग हैं, कॉपी किताब बेचने वाला सेगमेंट है, कॉपी किताब बेचते हैं, मार्जिन अच्छा है, डेट कम है कंपनी के ऊपर, ऊपर ऊपर सही जा रहा है सब कुछ। चलिए अब आते हैं टॉप लाइन पे, टॉप लाइन मतलब क्या हुआ, सेल्स। सेल्स में हम लोग देखते हैं सेल्स इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 2011 से अभी तक में सेल्स इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन अभी इनका अगर सेल्स के बारे में बात करें तो ऑल टाइम हाई के आसपास है। ट्रेलिंग 12 मंथ के बारे में बात करें, 2023 के बारे में बात करें, तो ऑल टाइम लाइव हाई पे है, ये एक पॉजिटिव बात है, सेल्स भैया ऑल टाइम हाई पे है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनका सबसे ज़्यादा अभी का है, 208 करोड़ ऑलरेडी अभी तक ट्रेलिंग 12 मंथ में दिख चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा गूगल पे, और यहाँ पे लिखते हैं नवनीत एजू,
ठीक है अपने को आ गया। और यहाँ पे मुझे 5 साल का चार्ट लगाते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए अप्स एंड डाउन्स तो अपने को दिख रहा है, लेकिन अभी अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पे स्टॉक अभी नीचे भी रहा है। मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य क्या है, देखिए अच्छा स्टॉक सब लोग बता रहा है, किसी का भी चैनल खोल के देख लो सब बताएगा HDFC बैंक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फलना ले लो, ठिकाना ले लो। पैसा कोई नहीं बना रहा, पैसा बना रहा है सब्सक्राइबर लेके, उनको सर्विस देके, उनको ट्रेडिंग टिप्स देके, ये करके वो करके। लेकिन अपने चैनल का मतलब है कि टू द पॉइंट भैया बात करो, और जब जरूरत है उस समय बात करो, ठीक है, और खुद भी लो। जैसे मैं नवनीत एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा हूँ कुछ फंड अपना, एज ए डिस्क्लेमर मैं बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तुम भी कूद पड़ो। अपना रिसर्च करने का है, अपना रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एज ए डिस्क्लेमर बता रहा हूँ कि मैं 90 रुपये में नवनीत एजुकेशन को खरीदने के लिए तैयार हूँ विद द टारगेट ऑफ 135, एज सिंपल इज दैट। चलिए तो यहाँ पे अपने को मिल रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि स्टॉक अपने अप ट्रेंड में है, ठीक है, हायर हाई बना रहा है। ये तो ये सब चीज़ आप लोगों को डेफिनेटली पता है, नहीं पता है कमेंट में बताइए, उस पर भी बात करेंगे। हायर हाई यहाँ पे बना रहा है, और यहाँ पे क्या है ना कि नया हायर हाई बन सकता है। तो नया हायर हाई बनेगा, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अपना धीरे धीरे पोजिशन बना लेंगे इस जगह पर, और इस जगह पे अपने को क्या करेंगे, बेचना है। सिंपल तो है, कोई नाटक नौटंकी नहीं है, कोई माथा पच्ची नहीं। देखिए स्टॉक मार्केट को जितना सिंपल रखिएगा ना उतना पैसा बनेगा, जितना चीज जितना टूल ठूसिएगा ना उतना पैसा उसमें से निकल जाएगा, उतना माथा पच्ची होगा, दूसरा धंधा नहीं कर पाइएगा और पैसा बनेगा नहीं, क्योंकि ठीक है ना। अब चलिए आते हैं हम लोग जीरोधा के चार्ट पे। अच्छा जीरोधा के में अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं है तो आप लोग नीचे लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप हमारे लिंक से कर सकते हैं, वहां पे हम लोगों को कुछ रिवॉर्ड एज ए पॉइंट मिल जाएगा। खुलेआम मैं बोल रहा हूँ, कहीं से कोई इशू नहीं है, हम लोग आप लोग के लिए वीडियो लाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा रिवॉर्ड आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये बात है। अब देखिए इसका ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, एक ऊपर का टॉप टॉप ट्रेंड लाइन है और ये नीचे का लाइन, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ना कि एक रेंज टाइप का आप इसको बोल सकते हैं, एक रेंज में चल रहा, देख रहे ना, एक रेंज है ये, इस रेंज में ये चल रहा है, और इस रेंज में यहाँ पे आने के बाद अब ये ऊपर जाएगा, तुरंत नहीं जाएगा, इस तरह से ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। और इसको जाने में 6 to 8 months लगेगा, तो 6 to 8 months के लिए यहाँ पे हम लोग 40% के टारगेट के लिए यहाँ पे हम लोग नवनीत एजुकेशन में जा सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा क्या कह सकते हैं कि क्यों आप लेना चाहते हैं, तो उसका रीज़न यही है, मैं इसलिए रहना चाहता हूँ क्योंकि ये ज़बरदस्त ट्रेंड में चल रहा है और ये चलेगा, ठीक है। और स्कूल वगैरह भी सारा अब रिज्यूम होगा, और सेल्स वगैरह इनका अच्छा ऑलरेडी अभी तक ट्रेलिंग 12 मंथ में अपने को दिख रहा है, तो वो भी धीरे धीरे क्या होगा ना, जब प्रॉफिट दिखेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, तो रिजल्ट अच्छा आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो रिजल्ट आने से पहले पोजिशन बनाना है ना, मार्केट के पहले चलना है, मार्केट के पहले चलना है, एक्सपेक्टेशंस पे मार्केट में पैसा बनाना है, अच्छा आएगा पोजीशन बना लिए, नहीं आया नहीं आया, माइनस हुआ लॉस हुआ, लेकिन अच्छा आएगा, अच्छा आ गया बस उड़ गया पैसा अपना लेके, तो इस तरह से है। और जो अभी ये स्टॉक अपने को दिख रहा है कि 95 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, तो 95 इसमें मैं ऐसा नहीं है कि 95 में आपको एक बार में लमसम कर देना है, कि 95 पे यहाँ पे अपने को उठाना है, 90 पे उठाना है और 85 पे एक्यूमुलेट करना है, धीरे धीरे इसमें पोजीशन बनाइए। यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट थोड़ा सा कुछ टाइम करे, तो इस जगह पे आप लोग पोजीशन बना सकते हैं, और अपने को टारगेट अपने को पता है 40% के टारगेट अपने को लेके जाना है, कहीं से कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तब तक इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और आई होप सो कि मैंने अपनी बातों को आप तक सही तरीके से पहुंचाया है। कोई कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी स्टॉक पैरामीटर पे, किसी भी टूल पे कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम लोग उस पर वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे। और आप हम लोगों के व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर अपने अपना व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ, और टेलीग्राम का चैनल भी शेयर करता हूँ। और हाँ, जो लोग ट्रेडिंग पसंद करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी में, वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, उनका अलग से हम लोग डेली ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, 3 से 5 ट्रेड हम लोग डेली देते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड देते हैं, आप जुड़िएगा आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो
इस सब सर्विस हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो डेफिनेटली बनता है बॉस, क्योंकि हम लोग बहुत ही एफर्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं आप लोगों के लिए, वीडियो लेकर आते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।